और अभी ताजा खबर दें आपको, वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदेही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जो किसी बेनामी जायदाद या गाड़ी की निशानदेही करेगा उसे इस असासे की 40% रकम मिलेगी। ये भी कहा है कि स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। परसेंट हम देंगे उस शख्स को जो निशानदेही करके बताएगा कि ये जो चीज है ये अली अमीन की है लेकिन इसे ड्राइवर के नाम पे है। आप निशानदेही करेंगे साबित हो जाएगा कि यार ड्राइवर की क्या हैसियत है, या जिस बंदे के नाम पे होता है बंदे ट्रेन को नहीं दिखा सकेगा, बेनामी इसको कहते हैं, और बेनामी के अंदर साबित हो जाएगा कि ये तो इस हैसियत का भी नहीं है कि ये किसी पंप का मालिक हो या इस जायदाद का मालिक हो या इस बिल्डिंग का मालिक हो या इस गाड़ी का मालिक हो, तो उसमें या तो बता देगा कि कल्प्रेट कौन है या वो नहीं बताएगा तो हुकूमत जब्त कर लेगी। लेकिन जो बंदा निशानदेही करेगा उसको उसका 40% मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि पटवारी बड़ा फायदा ले लेंगे इससे, जो पटवारी को सारा पता है अंदर की खाड़ी होगा कि जमीन असल में किसकी है, असल मालिक कौन है। इसी तरह माशरे में उस गांव में रहने वाले उस भल्ले में रहने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि वो अच्छा नाम इसी हालात में रखेंगे, बोले मेरे ड्राइवर के लिए छूट है कि मगर मेरी गाड़ी उसके नाम पे है तो बता दे भाई ये गाड़ी मेरे नाम पे असल में इसकी है, नाम उसको पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, और उस गाड़ी का 40% पैसा भी तो मिल जाएगा 40।